हेलो गाइस, की हाल चाल है भाई? सारे ना बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा अपनी एक नवी वीडियो दे आप लेके आ गए हैं। एक होर नवी वीडियो जिदे आई थिंक जो अज तो एक महीने पहला फिल्म आईया सीगिया अरदास थ्री ते आई थिंक सुचा शर्मा। एक महीना तो नहीं हुआ शायद घट हो मैं पक्का नहीं पता। एंड एक गुरु रंधावे की फिल्म सी शाहकोट। तो भाई तिना फिल्मों के उत्ते जो भी उन्होंने लेखा जोखा जो तो जिन्ना भी बजट सीगा जो उन्हें जिन्ना कलैक्शन बॉक्स के इकट्ठा किया दोवे तिना महीनों दोवे तिना हफ्तों में जिन्हें भी दिनों के वो सारा लेखा जोखा वीर ने इस वीडियो के दिता हुआ है। उस वीडियो से आप अज रिएक्ट करांगे ते ओ वीडियो दी जिहड़ी ओरिजिनल वीडियो आ बाई दी ओ आपां डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दे दांगे। उहदे चैनल ते जाके तुसीं उहदी होर वीडियो इंजॉय कर सकदे हो। सारा बाई लेखा जोगा इकट्ठा करके दसदा है, नॉलेज दी ये चीज़ आ यार, वधिया चीज़ आ। सो जाके जरूर देखियो ते बाकी आपां हुण करदे आ वीडियो नूं स्टार्ट ते देखदे आ कि की बनदा है ते करिए फिर स्टार्ट लैके। बाकी तुसीं पिछलियां वीडियो नूं मेरियां नूं बहुत मतलब कि दित्ता प्यार दित्ता ते आउण वाली वीडियो नूं भी इदां प्यार दिंदे रहो ते जे कोई गलती हुंदी आ ओह मैनूं दस दिया करो वी बई तेरे तों आह गलती हुई है जां कोई भी वीडियो दा उत्ते देना होवे रिएक्ट ते ओह मैनूं मतलब कि ओहदे विच दे सकदे हो। तुसीं वीडियो दे कमेंट दे विच लिख सकदे हो बई आह वीडियो दे उत्ते तूं वीडियो बना रिएक्ट कर सकदा। ओह वी आपदे ओपीनियन दिया करो यार, कमेंट वध तों वध करिया करो। चलो हुण आपां लैके बाबे दा नां करिए वीडियो स्टार्ट ते देखदे आ की बनदा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म सुचा सुरमा, फिल्म अरदास थ्री, यानी कि अरदास सर। यार जिहड़ी अरदास मूवी सी ना, इह तां अक्खां दे विचों हंझू कढ़ाउण वाली मूवी सी। इत्थे सारा थिएटर रोण ला दिंदी सी इह ते लास्ट दे विच जो अरदास हुंदी है ना, उह तां रूह कंडे खड़े कर दिंदी। रूह कंडे जिहड़े आपणे हुंदे आ ना, रोंगटे खड़े करन वाली मूवी सीगी। बहुत वधिया गिप्पी बाई ने लिखी हुई है मूवी। जे किने नहीं देखी देखने जरूर जाए। होर भी देखो, शाहकोट भी देखो, दूजी भी देखो। आपां सारयां नूं कहिंदे वी पर मैं दूजियां देखणी, इह मैं जरूर देखी है। बद्दे बल्ले दी। वहीं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे फिल्म शाहकोट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं कि इन सभी मूवीज में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रही है। दोस्तों बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी पंजाबी मूवीज के रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिल्म अरदास सरबत्ते बले दी यानी कि अरदास थ्री के बारे में, ये मूवी दे विच ना अरदास मूवी दे विच आ कास्ट थोनू उत्ते दिखाई दिंदी हुण बई जिन्नी कास्ट सी ना, जिन्नी कास्ट कल्ले कल्ले बंदे दी एक्टिंग मैं कहना बहुत ही ओवर सी, बहुत ही ओवर हाई मैं कहना एंड सी यार। बहुत वधिया हरेक ऐ हुंदा ना, कई फिल्म विच मेन मेन ते कुछ क बंदे हुंदे जिन्हां दी मतलब कि मेन रखी गई हुंदी है पिछे, पर इस विच कल्ले कल्ले बंदे दी एक्टिंग पूरी 5 स्टार देण वाली सी यार। बहुत घैंट मूवी सी, मैं कहना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अपने फैमिली से ना जाओ, ग्रैंड मदर ग्रैंड मतलब के बुजुर्गों को लेके जाओ, बहुत कैंड मूवी है यार। मैं तो गाइज, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी के अंदर हमें गिपी ग्रेवाल के साथ गुरप्रीत गुगी, जैस्मिन बाशीन अहम किरदारों में नजर आई थी। और दोस्तों इन सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें इस मूवी के अंदर काफ़ी लाजवाब देखने को मिली थी। दोस्तों फिल्म अरदास थ्री का जो बजट है वो लगभग 10 करोड़ रुपये के अराउंड था और इस मूवी को गिपी ग्रेवाल की ही डायरेक्शन में बनाया गया था। अगर बात की सारिया मूवियां गिपी बट जो उस बंदे की सोच है ना मूवी लैके, पता नहीं स्टोरी कितों पिक करता, बहुत घैंट मूवीज होंगे यार। इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो गाइज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फिल्म अरदास थ्री बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने पहले 17 दिनों के अंदर ही लगभग 42 करोड़ 19 लाख रुपए के अराउंड कलेक्शन करने में कामयाब हो चुकी थी। जो कि देखा मैं जिदा क्या सी ना, ये मूवी ने बहुत बहुत थिएटर के बहुत पसंदीदा मूवी ने किया गया। थिएटर भरे होंगे जो स्टार्टिंग में जाकर 42 करोड़ देख लो पहले कुछ दिनों के इन्हें कमा लिया, काफी बढ़िया कलेक्शन था इस मूवी के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मूवी के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइज ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने पहले 23 दिनों के अंदर लगभग 48 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें नजर आ सकता। बजट जेड़ा उन्हों का बजट से 10 करोड़, वह तो पहले एक दो दिनों के निकल गया होना, तो उस तो बाद सारे फिल्म मूवी ने कमाई ही की है यार। मूवी नो वर्ड वर्ड ही है नहीं इस मूवी लई, बहुत कैंट मूवी सी। और दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अगर बात की जाए फिल्म शाहकोट के बारे में, जी हाँ दोस्तों गुरु रंधावा की लेटेस्ट मूवी शाहकोट के बारे में, तो गाइज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है और लग रहा है कि ये मूवी गुरु रंधावा के कैरियर की फ्लॉप मूवी होने वाली है। ये मूवी बारे मैं सुनिया भी सीगा जे मतलब कि ये फ्लॉप मूवी कह सकते हैं भी मतलब कि लोगों ने इन्ना पसंद है, पर ये मूवी का आई थिंक विरोध भी होया सी। वो पता नहीं किस चीज़ कुछ लोगों ने किया विरोध, वो नहीं मैंने पता क्यों होया सी, बट ये मूवी कह सकते हैं भी गुरु रंधावे की फ्लॉप मूवी
ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो गाइज इस मूवी के अंदर हमें गुर रंधावा के साथ ईशा तलवार अहम किरदारों में नजर आई हैं। और दोस्तों इस मूवी को राजीव डिंगरा की डायरेक्शन में बनाया गया है। इस मूवी को लगभग 4 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु और पंजाबी में। और इस मूवी का बजट लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये के अराउंड एस्टिमेटेड है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मूवी की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही है। इस मूवी ने अपने पहले दिन लगभग 75 लाख रुपए से ओपनिंग ली, दूसरे दिन फिल्म ने कमाई लग बहुत घाटा 75 लाख बहुत घाटा औखा है यार। ये मेरे हिसाब ने बजट भी आपका पूरा कर लेना जेड़ा बनाया मूवी का, वो भी बजट भी पूरा हो जाए बहुत बड़ी गल, आई थिंक बजट पूरा होना नहीं गा लगभग 85 लाख रुपए। और अगर मैं बात करूं तीसरे दिन के कलेक्शन की, यानी कि संडे वाले दिन, ये मूवी संडे वाले दिन लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए के अराउंड कलेक्शन करने में कामयाब रही। इसी तरह दोस्तों फिल्म शाहकोट का जो अपने फर्स्ट वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 3 करोड़ रुपए के अराउंड ही हमें देखने को मिल सकता है। काफ़ी ख़राब शुरुआत रही है इस मूवी के लिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइस ये मूवी आज भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग 60 से 65 लाख रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए फिल्म सुच्चा शर्मा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सुच्चा शर्मा बारे भी लोगों का कुछ कुछ चंगे विचार से कुछ नहीं सके, कहते सके बब्बू मान, पर जो बब्बू मान के फैन है वो बहुत टाइम तो उड़ीक रहे थे, बहुत टाइम बाद बब्बू मान ने फिल्म कड़ी, आई थिंक बढ़िया ही होगी यार, स्टार कास्ट बढ़िया लगा, पर मैं देखी नहीं, पर बढ़िया आई थिंक मूवी बढ़िया होगी, जाके ये भी देख सकते हो तो बाकी जा देखते हैं कितना की बजट की हिसाब किताब आ गया। अपना के बारे में तो गाइज इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिस्पांस मिला है, क्योंकि दोस्तों बब्बू मान की इस मूवी का इंतजार बब्बू ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੂਵੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਪੱਕਾ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਮਾਨਸ ਕੇ ਫੈਨਸ ਕੋ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਸੇ ਥਾ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਔਸਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਥੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੋ ਅਮਿਤ ਉਜਮਾਨ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਅਗਰ ਬਾਤ ਕੀ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਸੁੱਚਾ ਸੁਰਮਾ ਕੇ ਬਜਟ ਕੀ, ਗਾਇਸ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 7 ਸੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਥਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਾਤ ਕੀ ਰਹੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਤੋ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੋ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 430 सिनेमाज में रिलीज किया गया था। और इस मूवी को 2010 शोज मिले थे। ओवरसीज में इस मूवी को लगभग 560 लोकेशंस पर रिलीज किया गया था। अब अगर दोस्तों बात की इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइस मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फिल्म सुच्चा सुरमा अपने पहले 10 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग 11 करोड़ 20 लाख रुपए के अराउंड एक्शन करने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी के अभी तक के टोटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गाइस मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फिल्म सुच्चा सुरमा अभी तक अपने पहले 18 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग 17 करोड़ 19 लाख रुपए के अराउंड में कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। और दोस्तों बब्बू मान की ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर पूरी तरह से सुपर हिट हो चुकी है। लेकिन गाइस आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आप लोगों ने भी फिल्म शाहकोट का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय। लो जी तुम दसना बई कि लगी तुम वीडियो अज की जी आप रिएक्ट की है, बाकी बई ने सारा लेखा चुका तुम दस ही दिता कौन कि मूवी ने किन्ना कमाया, कि मूवी ने किन्ना मतलब के बजट सगा, इदा दर मूवीज़ देखने बई के चैनल के थल डिस्क्रिप्शन के मैं लिंक दे दूंगा, उत्तर जाके देख सकते हो होर नॉलेज दीडियो आप लैके आते रहेंगे तेरे लिए, अगली वीडियो भी आप एज ए कोई नॉलेज की लगभग, तो बाकी तुम आपका प्यार इदा ही बरसाते रहो, लाइक एंड सबसक्राइब करके जाना, सारे ने शेयर भी कर दो, इदा दियाँ होर वीडियो देखने के लिए सारे ने दब के शेयर करना बई। चलो हम आप मिलते हैं अगली वीडियो के, अगली वीडियो कोशिश करा कोई नॉलेज वाली वीडियो लैके आईए, तो उन्ना टाइम सारे बाय, मिलते हैं बई अगली वीडियो।